अनुभव। ओह शिट, निकल तो गया। तो फिर से प्रणव ने दे दिया हमें धोखा। सो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। एंड राइट नाउ आई मीन खड़कवासला डैम, मेरे होम टाउन पूना सिटी में ही हूँ अभी फिलहाल। मैं कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप नहीं कर रहा हूँ। मानसून आ चुका है तो मैंने मानसून में हमेशा मैं ट्रेक करता हूँ। इस बार सोचा मैं जो मैं सारे ट्रेक्स करता हूँ उनकी मैं एज अ व्लॉग फॉर्म में आपको प्रेजेंट भी करूँ। तो अभी हम जा रहे हैं तोरना फोर्ट, मेरी सिटी से यहाँ से 47 किलोमीटर पे है। अगर आप जिस रूट से मैं जा रहा हूँ उस रूट से जाओ तो, या फिर आप NH 48 से भी जा सकते हो, वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर्स है। लेकिन अभी मैं खड़कवासला खानापुर और खानापुर से लेफ्ट लेके हम आगे तोरना फोर्ट के लिए जाने वाले, क्योंकि वो जो रूट है वो काफ़ी सीनिक है एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैंने ये रूट चूज़ किया है। एंड मॉर्निंग के अभी 7:30 हुए हैं। सो लेट्स गो गाइस। तो अभी हम खानापुर में हैं, तो खानापुर का ये रोड सीधा जाता है पानशेत की तरफ एंड यहाँ से हमें लेफ्ट लेके जाना है ये साइड पे। आपको यहाँ से पहला लेफ्ट लेना है, तो यहाँ से हम जाएंगे अभी पाबे में। पाबे जो घाट है हम वहीं से जाने वाले। अभी हम हाईएस्ट पॉइंट है पाबे घाट के, तो अभी यहाँ से हम नीचे की तरफ उतरने वाले। एंड ये घाट आपको अगर स्पेशली बारिश में आओगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अभी प्री मानसून है तो इसकी वजह से उतनी हरियाली नहीं है। सो वो जो बादलों के पीछे छुपा है वो है तोरना फोर्ट। एंड ये सामने की तरफ यहाँ पे भी बादल है, वो है राजगढ़ फोर्ट। एंड अगर आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ से आपको सिंहगढ़ फोर्ट उस तरफ देख सकते। सो फाइनली बेस तक पहुँच चुके। वो पीछे की तरफ रहा तोरना फोर्ट, बाइक हमने यहाँ पे लगा दी है। अभी ये जो फोर्ट है ये पुणे डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा फोर्ट है, जो कि लगभग सी लेवल से 1400 मीटर्स की हाइट पे है। एंड इस फोर्ट से मेरा ट्रेक स्टार्ट करने का, या फिर मेरे जो ट्रेकिंग के व्लॉग्स है वो स्टार्ट करने का जो रीज़न है वो ये कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एट द एज ऑफ 16 ये वाला फर्स्ट फोर्ट है जो उन्होंने अपनी लाइफ में कैप्चर किया था। जो फर्स्ट फोर्ट था वो यही था तोरना फोर्ट, जिसे प्रचंडगढ़ भी बोला जाता है। और मराठी में एक बात बोली जाती है कि स्वराज्याचं तोरण महाराजांनी याच किल्ल्यापासून बांधले होते। सो जो फोर्ट का टाइम है वो उन्होंने सुबह 9 बजे खुलता है एंड 5 बजे ये क्लोज कर देते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारे फोर्ट्स में ऐसा नहीं होता है। आप वहाँ पे वन नाइट स्टे भी कर सकते हो और अर्ली मॉर्निंग ट्रेक स्टार्ट भी कर सकते हो। तो अभी प्री मानसून है तो ये अभी भी हरा नहीं है, पूरा ग्रीनरी से कवर होगा तो और खूबसूरत लगता है। सो इस फोर्ट पे मेरा थर्ड टाइम है कि मैं इस फोर्ट पे आ रहा हूँ। 2019 में भी आया हूँ, 2021 में भी आया, लेकिन तब यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, बस फोर्ट था एंड डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते थे। लेकिन फिलहाल अब पार्किंग के लिए आपको 40 रुपीस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे 2-व्हीलर पार्क है, कार के आई डोंट नो कितने। एंड जगह जगह ऐसे बेंच एंड साइन बोर्ड लगा के रखे जो पहले नहीं थे, तो एक तरह से अच्छी भी चीज़ है, लेकिन हमारी तरह जो रेगुलर ट्रैकर्स है उनके लिए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ आती है ज़्यादा डेवलप होने की वजह से। सो ज़्यादा लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा भीड़ होती है तो वो एक दिक्कत की बात है। बस 30-40% ट्रैक कम्प्लीट हो चुका है एंड आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हो एक रिवर का व्यू है एंड डैम का व्यू है। ये है गुंजवनी डैम एंड अभी उसमें फिलहाल पानी कम है, अभी जस्ट मानसून की शुरुआत हो रही है। सो अभी वेदर भी काफ़ी अच्छा हुआ है, पहले धूप थी अभी धूप नहीं है, कम्प्लीटली बादलों से घिरा हुआ है, तो ये बेस्ट वेदर है। तो अभी इसी वेदर में कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी हवा अच्छी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा है, आपको वो वीडियो में भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी।
स्टार्ट हो रहा है, जो डिफिकल्ट पैच हुई अभी यहाँ से आगे स्टार्ट होने वाला है। बस हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है एंड मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है यार, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा है, काफ़ी फ्रेशनेस फील हो रही है एयर में एंड जिसकी वजह से थकान भी बहुत कम हो रही है। तो यस, हमारे पीछे देख सकते हैं तोरना प्रचंडगढ़, जो अभी नहीं दिख रहा है, बादल के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन हम ऊपर जाके उसे एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। हालत खराब हो गई इतनी जल्दी, चल खत्म, उसके अंदर उतनी जान भी नहीं बची। अभी यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट पैच है, दिन यहाँ से वहाँ जाना है, दिन वहाँ से डोर है ऊपर का। कमाल प्रणाम, इसे डिफिकल्ट पैचेस है तो उसको क्रॉस करना है हमें, तो वहीं से चढ़ते हैं। पढ़ना ओके ना तू? सो बिगिनर लोगों के लिए ट्रिक नहीं है, तो इसका प्रूफ आपको दिख रहा है। छह ट्रिक किए लेकिन ऑफिस में जाके तोन बढ़ा दी, अभी चढ़ नहीं पा रहे, तो उसको जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मोटिवेट कीजिए, उसे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमांड प्रणाम, जब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में आए थे तभी रोप भी नहीं थी, इन्होंने अभी थोड़ा डेवलप किया, इनको रोप भी लगाई थोड़ी सपोर्ट के लिए, जो काफ़ी बेहतर है क्योंकि कुछ कुछ पैच यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं है, और ये साइड वाली जो रील है वो भी टूट चुकी है, तो इसके सहारे जाने ज़्यादा बेहतर है। लेट्स गो। क्या हुआ प्रणव? प्रणव मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा बादलों से घिरा हुआ है, एंड वो रहा तोरना फोर्ट जो अभी भी विजिबल नहीं है। हमारा दोस्त थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ठीक है, उसी बहाने में थोड़े अच्छे से ब्लॉग बना पा रहा हूँ। अभी वो बहुत आगे जा चुका है, अभी हम उसे कवर करते, चलिए। सो इसको शक हो रहा है मैं उसे सही लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बोल रहा है अभी तक फोर्ट आया क्यों नहीं। सो ये वाला एक वाटरफॉल है जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, जो फिलहाल अभी उसमें पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप देख सकते बहुत सारे पत्थर एंड ये पूरा रेलिंग टूटा हुआ है इधर का, तो उसी की वजह से हुआ है। अगर आप मानसून के टाइम आते हो ना तो यहाँ पे आप शावर ले सकते हो वाटरफॉल के नीचे। सो अभी हम आगे जा रहे हैं, लास्ट का पैच बचा है ऊपर वाला, बस वो उतना कवर करना है, देन हो गया। 1.5 आवर का बस ट्रैक है, ज़्यादा लंबा नहीं है। सो बस अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, और मोस्टली मैं कहूँगा अगर बारिश बहुत ज़्यादा है ना तो अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली ट्रैक बिल्कुल नहीं है। तो आप जिनको थोड़ी बहुत ट्रैक की आदत है वो इसीलिए इसे आराम से कर सकते हैं। लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे छोटा सा, उसकी वजह से ये पूरा जो रेलिंग बिलिंग सब टूटी हुई है, एंड ये लास्ट का पैच है बस, यहाँ से यहाँ देन ऊपर की तरफ डोर है बस। आई थिंक रिसेंटली कुछ ज़्यादा बारिश हुई है उसकी वजह से पूरा यहाँ पे छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है।
हर फोर्ड पे एक डॉग तो होता है, अभी किसके साथ है पता नहीं। अभी ये डॉग बीच में मिला, अभी ये मुझे फॉलो करने लगा है, लेकिन मेरे पास अभी इसे देने के लिए कुछ नहीं है। सो फाइनली ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये एंट्री गेट है तोरला फोर्ट का। तो फाइनली हमने ये ऑलमोस्ट एक कंप्लीट हो चुका है, एंड यहाँ पे कुछ मंकीज भी है। सो चलिए इस पैच को जरा खत्म करते हैं। अच्छी, ये काफी ज्यादा स्टीप है वैसे, ये लास्ट वाला जो पैच है। ये देखिए निकम्मा आगे बैठा है, बस अभी फोटो के लिए रुका है, अभी इसकी एक भी पिक्चर नहीं निकालूंगा। वीडियो निकल तो नहीं रहा है लेकिन फोटो के लिए वेट कर रहा है। सो फाइनली हम आ गए तोरना फोर्ट पे। बाकी फोर्ट की तरह ये फोर्ट नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अगर महाराष्ट्र के आप फोर्ट देखोगे तो वो ज़्यादा मेंटेन नहीं है, लेकिन तोरना के केस में काफ़ी अपोजिट है। अभी देख सकते हैं आप डोर को देखिए, स्पेशली ये काफ़ी, आई डोंट नो कितना ओल्ड है या फिर ये न्यूली बिल्ड है, लेकिन लग तो रहा है ओल्ड ही है। एंड जो पूरा स्ट्रक्चर है फोर्ट का वो काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन है, ये एंट्रेंस से लेके हर चीज़। तो ये तोरना की खासियत है, अगर आपको आर्किटेक्चर के हिसाब से या फिर एक आपको फोर्ट चाहिए जो वेल मेंटेन है तो तोरना काफी बेहतर ऑप्शन है। सो यहाँ पे वार्निंग लिखी है, 9 बजे से लेके रात के 5 बजे तक ये फोर्ट खुला है, एंड ये रहा तोरना। अभी जो आपको सामने की तरफ दिख रहा है वो है लक्कड़खाना, वहाँ एक और एक नीचे की तरफ है एंट्री, जैसे आप एंट्री करोगे वहाँ भी एक है। तो यहाँ पे जो लकड़ी थी वो स्टोर की जाती थी, ये एक्चुअली न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, जो ओल्ड वाला पुराने जमाने का तो गिर गया था तो उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। अभी फोर्ट के ऊपर है, एंड थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि जो फ्लैग रहता है हर फोर्ट पर वो फ्लैग नहीं है। सो ये जगह जगह पानी के टाँके भी है यहाँ पे, एंड अभी हम नेक्स्ट माची की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे झुंझर माची भी करनी है, लेकिन अभी नेक्स्ट माची की तरफ जा रहे हैं, सेकंड डोर पे जा रहे हैं। यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं आप तोरना फोर्ट के लिए, जिस डोर से हमने एंटर किया वो पूना के साइड से ओपन होता है, एंड ये वाला ये कोकन दरवाजा है, मतलब आप यहाँ से भी एंटर हो सकते हो। और इस साइड पर एक माची बुरुज है और माची भी है, तो अभी हम वो देखने के लिए जा रहे हैं। सो इसका फेस है कोकन की तरफ यहाँ से, तो इसलिए इसे कोकन दरवाजा बोला जाता है। एंड ये थोड़ी लंबा है यहाँ से तो, लेकिन जो नज़ारा है वो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। देखिए आगे क्या नज़ारा है यहाँ से, एंड अभी हम यहाँ से जाएंगे और आप यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हो, बहुत से लोग यहाँ से उतर रहे हैं अभी, यहीं से आप सेम एंटर चढ़ के यहाँ से तोरना के लिए एंटर कर सकते हो। ये वाला मेरा फेवरेट स्पॉट है इस फोर्ट का, वो जो आपको छोटा सा ब्रिज दिख रहा है वो, एंड वो वाला वहाँ तक ये फोर्ट खींचा हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं बट वहाँ तक वो फोर्ट खींचा हुआ है। सो अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं, लेट्स गो। आई होप सांप ना दिखे, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। वाओ, एंड यहाँ से काफ़ी छोटा सा होल है, अभी जिसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ये आई होप मैं निकल पाऊँ। ओह शिट, निकल तो गया। मैं अभी यहाँ से बाहर आया हूँ, एंड ये पीछे की तरफ एक बुरुज है, बुरुज मीन्स टावर, एंड ये व्यू है कुछ। तो अभी फिर से इसके अंदर से मुझे निकल के बाहर की तरफ जाना है। अभी हम ऊपर की तरफ पे, वहाँ पे था मैं, एंड हमें वो लास्ट तक जाना है वहाँ पे, क्योंकि जो फोर्ट है वहाँ तक स्ट्रेच है पूरा कम्प्लीटली, और मैं वहाँ तक पूरा करना चाहता हूँ। आई होप ये भी मेरा साथ दे। प्रणव धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, वेरी गुड प्रणव। यहाँ पे पानी के लिए कुछ चैम्बर है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, सामने की तरफ एक है,
तो यही से जो फोर्ट के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट थी, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 महीने पानी रहता है। अगर आप समर टाइम में भी आओगे ना तो ये थोड़ा नीचे दिखेगा, लेकिन इसमें 12 मंथ्स ऑलमोस्ट पानी रहता है। सो ये वाली साइड पे ज़्यादा फोर्ट मेंटेन नहीं है, ये आउटर साइड है, ये भी वॉल्स है, और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये भी एक वॉल ही है, तो ये पूरी वॉल लास्ट तक जाती थी, लेकिन अभी वो ऑलमोस्ट गिर चुकी है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बची है। एंड प्रणव, अभी तेरे साथ क्या हुआ? ये अभी एक सांप के ऊपर पैर रख रहा था, मैंने उस स्नेक को क्रॉस किया, मेरा ध्यान नहीं गया। इस बुरुज के पास है एक रॉक का काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, एंड वहां से आया हमने। अरे वहां पे अगर आप देखोगे तो वो है राजगढ़ उस तरफ, एंड कुछ लोग अभी वहां पे भी है वो वाला, तो वहां पे जाने की कोशिश करूंगा। बस अगर यहाँ पे पीछे रॉक क्लाइंबिंग के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स होती ना, और ज़्यादा मज़ा आ जाता। सो बेसिकली करंट अपडेट ये है, देखिए मैं हूँ कहाँ पे। सो ये वैली है नीचे की तरफ, एंड वो रहा तोरना का मेन जो एंट्री गेट और कोकन दरवाजा, वो साइड पे है, एंड ऑलमोस्ट मैं एंडिंग तक आ चुका हूँ ये बुरुज के। आगे कुछ करने के लिए है नहीं, बस वो बुरुज वहाँ तक जाता है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं है, तो शायद मैं वहाँ पर स्किप करूँ, यहाँ से रिटर्न जाऊंगा। बाय बाय। सो अभी प्रणव आगे नहीं जा रहा है, इसलिए मतलब मैं रिटर्न जा रहा हूँ, तो मैं आगे कंट्री में अकेले जा रहा हूँ। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो खाली मेन तोरना का एंट्री गेट है वहाँ से वो वाला एरिया एक्सप्लोर करते हैं जो मेन फोर्ट है, और उसके साथ झुंझर माची है जो सेकेंड माची है उसे एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन ये जो बुदला माची है इसे कोई अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करता है। एंड मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है चाहे मैं अकेला रहूं, तो फिलहाल मैं अकेला निकल चुका हूं। क्या खूबसूरत नज़र है, अभी हम वहां पे जाने वाले, वो दिख रहा है वो एक माची है, वहां तक जाएंगे। सो फाइनली बुदला माची वहां तक वो पूरी हो चुकी है, यहां तक ही वो माची एंड होती है इसके। हम अभी थोड़ी देर पहले वहां पे थे ऊपर, एंड ये रही बुदला माची, एंड ये जो फोर्ट की एंड कह सकते हो ना, वो वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे जाने के लिए भी एक छोटा सा रोड है, लेकिन वहाँ पे देखने जैसा कुछ नहीं। लास्ट टाइम मैं गया था तो कुछ चीज़ें है नहीं दिखाने के लिए कि मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाऊँ, लेकिन वहाँ से भी एक रोड नीचे की तरफ जाता है, वहाँ से भी आप क्लाइंब कर सकते हो। एंड ये रही बुदला माची, अगर आपको तोरना से राजगढ़ या राजगढ़ से तोरना आना है तो आपको यहीं से नीचे उतरना पड़ता है। अभी मेरे पीछे आप कुछ लोग दिख रहे हैं, वो राजगढ़ में एक दिन स्टे किया था, एंड अर्ली मॉर्निंग राजगढ़ से निकले, एंड अभी वो तोरना की तरफ जा रहे हैं। वो रहा तोरना फोर्ट, ये रहा सामने की तरफ राजगढ़। एंड अभी फिलहाल आज संडे है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे मैं पूरा अकेला हूँ। तो यही खूबसूरती है इस फोर्ट की कि यहाँ पे राजगढ़ फोर्ट सामने होने की वजह से बहुत कम लोग तोरना पे आते हैं, और जितने लोग तोरना पे आते हैं ना उसमें से लगभग 90% लोग बुदला माची करते नहीं है। तो वीकेंड्स के दिन भी आप इस फोर्ट को काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। संडे के हिसाब से भी इतना क्राउड नहीं था तोरना में, हाँ पहले के कंपेरिजन में क्राउड बढ़ रहा है, शायद इस वीडियो के बाद थोड़े बहुत कुछ और लोग आ जाए। सो यहाँ पे एक सीढ़ी है नीचे, एंड वो रहा बुदला माची का जहाँ पे साइन बोर्ड लगा था, तो यहाँ से आप नीचे उतर के राजगढ़ की तरफ जा सकते हो। सीधा सीधा ऐसा ट्रैक है राजगढ़ की तरफ, तो यहाँ से वो ट्रैक है, तो वो देखिए वो है बुदला माची, एंड उसके सामने ये बुरुज है, तो बुरुज से नीचे उतर के आना है आपको, यहाँ से सीढ़ी मिल जाएगी, आप चाहो तो यहाँ से राजगढ़ भी कंट्री कर सकते हो। मंकीज है, मंकीज की फैमिली है यहाँ पे भी नीचे कुछ है, एंड ऊपर कुछ खाना खा रहे हैं। इतने भी फोर्ट्स पे गया हूँ ना, एक चीज पता है कि अगर आप मंकीज को ज्यादा परेशान नहीं करोगे ना, या फिर आप कुछ ऐसा एक्ट नहीं करोगे जिससे उनको थोड़ा गुस्सा आए, तो जनरली वो कुछ करते नहीं है, बस खाना पीना खाते उनके सामने से मत जाइए, थोड़ा एग्रेसिवली बिहेव कर सकते। तोरना फोर्ट के ऊपर
मेंगाई देवी का एक प्राचीन टेम्पल है। उसी के बिल्कुल सामने तोरणेश्वर टेम्पल है जो कि शिव जी का टेम्पल है। तो बुदला माची होने के बाद अभी झुंझर माची की बारी है। प्रणव ने फिर से ज्वाइन कर लिया, बुदला ने, लेकिन झुंझर माची मेरे साथ वो करने वाला है, तो चले चलते। सो अभी फिलहाल मुझे लगता है मुझे अकेले कोई जाना पड़ेगा झुंझर माची के लिए नीचे की तरफ, क्योंकि जो रूट है वो यहाँ से जाता है नीचे की तरफ, तो ये शायद मेरे साथ नहीं आने वाला। इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो यहीं पे वेट करेगा। तो मैं अभी झुंझर माची एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ नीचे की तरफ। सो लेट्स गो। सो प्रणव झुंझर माची जाएंगे, वो नीचे की तरफ झुंझर माची अभी, और ये हमारा भाई इसे देख के डर गया, क्योंकि जो रूट है वो यहाँ से ऐसे जाने वाला है। प्रणव चले चले स्टार्ट। तो प्रणव अभी यहाँ से उतर रहा है, तो हम लोग अब वहाँ से सीढ़ी से उतर के यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, एंड अभी यहाँ से जाने हमें वहाँ झुंझर माची की तरफ। तो फिर से प्रणव ने दे दिया हमें धोखा। तो वहाँ पे चढ़ाई थी, वहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं है, पूरा डिफिकल्ट पैच था, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं था, मतलब ठीक ठाक डिफिकल्ट था। तो वो देख के प्रणव ने बोला मैं रुकता हूँ यहीं पे, तू जा क्या। सो अभी मैं अकेला ही फिर से झुंझर माची की तरफ जा रहा हूँ। सो झुंझर माची के बिल्कुल बाजू में एक थोड़ा सा रूट है, तो वही अंदर जाके देख रहा हूँ क्या है एग्जैक्टली। बस एक डोर है, तो ये एक छोटी सी पाइवट है, पाइवट मराठी में पाइवट बोला जाता है इसको, मतलब एक छोटा सा रोड होता है। तो फोर्ट पे आने के लिए जो मेन एंट्री गेट है हम वहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे रोड्स भी होते हैं जो फोर्ट को कनेक्ट करते हैं, उसके साथ ही काफ़ी छुपे रास्ते भी होते हैं, तो उसी में से एक छोटा सा रोड है तो उसी पे, और यहाँ से नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए ये डैम का व्यू है, या थोड़ा 5 to 10 minutes बैठने वाला हूँ और थोड़ा व्यू को एंजॉय करने वाला हूँ, देन उसके बाद आगे हम झुंझर माची की तरफ निकलते हैं। सो वी मेड इट टू झुंझर माची, तो झुंझर माची पे आ चुके हैं, एंड फाइनली यहाँ पे फ्लैग देखा, जो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो मेन फ्लैग है वहाँ पे तो फ्लैग नहीं था। अभी हम थोड़ी देर पहले वहाँ पे थे, उस बुरुज पे थे, एंड वो आपको पीछे की तरफ, आई डोंट नो कैमरा में ठीक से आ रहा है कि नहीं, वो स्ट्रक्चर है रॉक स्ट्रक्चर जहाँ से अभी हम आए हैं। यस, छत्रपति शिवाजी महाराज उनका झंडा ही है, मतलब यही फ्लैग था मराठा एम्पायर का, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी फाउंडर थे मराठा एम्पायर के, एंड ये फर्स्ट फोर्ट है जो उन्होंने एट द एज ऑफ 16 अपने कंट्रोल में लिया था, तो यही से उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी। तो ये प्लेस मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फोर्ट भी यही है। फाइनली ये ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम बस मैं ऊपर की तरफ क्लाइंब करने वाला हूँ, एंड देन हम नीचे की तरफ उतरने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अब मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, एंड और भी आप कौन से ट्रैक देखना चाहोगे महाराष्ट्र के सह्याद्रीज के, तो उसके बारे में आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट ट्रैक और नेक्स्ट एडवेंचर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।